हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। वो पार्ट 1 में हमने दिए हैं उनका सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से आप क्वेश्चन नंबर 1 टू 6 आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है यहाँ पर। इन द गिवन फिगर ओ ए बी सी इज द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7, ठीक है। रेडियस 7 है, यानी कि यहां से यहां तक 7 दे रखा है आपको, और यहां से यहां तक भी आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपकी रेडियस हो गई, ठीक है। इफ ओडी, ओडी आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओडी आपका 4 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है ए बी सी डी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका एरिया आपको शेडेड रीजन का फाइंड आउट करना है, और पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या रखनी है, 22/7 यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, गिवन रेडियस ओ डी इज इक्वल OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है। OD आपको यहां पर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां पर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट AO ABCO आपका हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो 1/4 22/7 आर आपको दे रखा है 7, तो 7 × 7 आप लिख दो, 1 7 से 1 7 कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया और ये 11 हो गया, तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका क्या आ गया, एक क्वाड्रेंट है ए बी सी ओ, उसका एरिया आ गया। अब यहां पर आप देखो ये क्या बन रहा है, ओ सी डी, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको, तो वो क्या होता है आपका, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी हाफ इंटू 7 × 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये 2 टाइम्स कट हो गया, तो ये 14 आ गया, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी। तो ये हो गया आपका 77/2 माइनस 14, ठीक है। तो ये हो गया 77 − 28/2, ये हो गया आपका 49/2 यानी कि 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डायग्राम में आप देख लो, देखो पहले हमने क्या करा, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया, फिर हमने क्या करा, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हमने सब्स्ट्रैक्ट करा, तो ये वाला जो शेडेड रीजन है ना, ये वाला शेडेड रीजन का एरिया आपका फाइंड आउट हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर ओ ए बी सी, ये आपको क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, ओ ए बी सी आपका क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है। इज इंस्क्राइब्ड विद द विथ इन द क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, इफ ओ ए 20 सेंटीमीटर, ओ ए आपका क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है।
देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको बताना है। तो ये एक स्क्वायर है तो ये भी 20 होगा, यहां से यहां तक भी 20 होगा, यहां से यहां तक भी 20 होगा आपका, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम निकालें तो वो होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, अगर मैं ओबी को मिलाता था तो ये इसका क्या होगा, ये डायगोनल होगा ना ओबी, इसका कलर हम चेंज कर देते ताकि आपको आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। ये आप ले लो पर्पल कलर, एक सेकंड, ब्लैक कलर का ले लेते हैं, क्यों बनाए, ये वो भी आपका क्या हो गया, डायगोनल हो गया, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ओ ए बी ओ, ठीक है, इसमें ये आपका क्या है, डायगोनल है, यानी कि इसको आप हाइपोटेनियस बोल सकते हो। ये वाली साइड 20, ये वाली साइड 20, ये वाली साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 20 स्क्वायर हो गया, ये भी 20 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 800, ओ बी आपकी क्या है, रेडियस है, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर, ठीक है। तो 800 आपके पास ये मिल गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर। सो 1/4 इंटू 22/7 और आर स्क्वायर आपको 800 दे रखा है, ठीक है। तो 4 से ये 200 टाइम्स कट जाएगा, 200 टाइम्स कट हो जाएगा। तो यहां से आपके पास आ गया 4400 / 7 दैट इज इक्वल टू आ गया 6 to 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ठीक है ना बच्चों, अप्रोक्सीमेटली इसको हम ये ले लेंगे 628, ठीक है। तो हेंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 628 माइनस 400, तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हो गया। अब आप क्वेश्चन में देख लेना, यहां पर आपको अगर ये पाई की वैल्यू 3.14 दिया हुआ है तो आप फिर 3.14 ही लिखो, 22/7 मत लिखो। जैसे अपन ने यहाँ 22/7 लिखा ना, तो इसकी जगह आप 3.14 लिख दो, ठीक है। ये भी लिखोगे तो भी सही है, ठीक है ना, गलत नहीं है, पर अगर वहां 3.14 दे रखा है तो आप 3.14 लेकर के ही कैलकुलेशन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ काउ इज टाइड विद अ रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट वन कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 20 मीटर इंटू 15 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन नॉट ग्रास, ठीक है। यहां से एक गाय को बांधा है इन्होंने,
और 14 मीटर रही है, आपको क्या दे दी इसकी रेडियस दे दी, ठीक है। तो जो गाय ग्रास आपकी खाएगी इस एरिया में खाएगी, ये जो डॉटेड रीजन है, ठीक है, ये आपका यहां से यहां तक आपने ये बना दिया, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो होगी वैल्यू, ये 14 मीटर होगी, ये 14 मीटर होगी, ये तो होगी रेडियस, ये क्या बन गया आपका, एक क्वाड्रेंट बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखी है उसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड वो आपको दे रखा है 20 × 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका 300 मीटर स्क्वायर, ये तो आपका एरिया निकल गया। अब आप निकालो क्वाड्रेंट का एरिया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 πr² सो 1/4 22/7 r आपका 14 है, इससे 7 से 14 टू टाइम कैंसिल हो गया, 2 से 4 टू टाइम कैंसिल हो गया, 2 से 22 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और यहां पर आपका क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर भी दे रखा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द फील्ड लेफ्ट अनग्रास्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 300 − 154 = 146 cm² स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि मीटर में ही दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर ही आएगा बच्चा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। इन अ गिवन फिगर ए पी बी, ये ए पी बी और सी क्यू डी, ये वाला, ठीक है, सेमी सर्कल है डायमीटर 7 सेंटीमीटर के, ये रहा ए पी बी, ठीक है, ये ए पी बी और सी क्यू डी, ये 7 सेंटीमीटर के डायमीटर के दे रखे हैं 7 सेंटीमीटर ईच, वाइल ए आर सी, ए आर सी और बी एस डी, है ना, इन आर सेमी सर्कल्स ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर ईच, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर एंड यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आ गया है, डायग्राम क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ठीक है ना। सॉल्यूशन अब हम इसका करेंगे, तो सबसे पहले हमको जो जो दे रखा है वो लिख लें हम, गिवन डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड कैपिटल डी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी रिप्रेजेंट द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है। सो आर यहां से हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, यहां से आर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हेंस द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, अब डायरेक्ट मत लिखो, पहले क्या क्या एरिया है वो आप लिख दो यहां पर, मतलब क्या क्या पोर्शन आप ले रहे हो पेरीमीटर का, क्या क्या है वो लिख दो आप, पेरीमीटर, पेरीमीटर ये हो जाएगी पेरीमीटर ऑफ ए पी बी, बी एस डी, डी क्यू सी प्लस
सी आर ए, ठीक है ना, ये वाली हो जाएगी। अब देखो आप एक बार डायग्राम में देखो क्या क्या लिखा हमने, ए पी बी, ए पी बी, ठीक है ना, ये पैरिमीटर यहां से स्टार्ट हुई ए पी बी, फिर बी एस डी, फिर डी क्यू सी और फिर सी आर ए, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ ए पी बी, बी एस डी, डी क्यू सी, सी आर ए, ठीक है। अब यहां से आप इनकी रेडियस लेते चलो, ए पी बी की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये ए पी बी का डायमीटर 7 है तो रेडियस 3.5 हो जाएगी, फिर उसके बाद बी एस डी इसका डायमीटर क्या है, ये 7 है ना प्लस ये वाला 7, ठीक है, तो 14 हो गया, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लिख लें, पाई तो कॉमन आ गया, ठीक है, 3.5 तो ए पी डी के लिए आ गया और बी एस डी के लिए आ गया 7। सिमिलरली डी क्यू सी के लिए यहां से आपकी ये रेडियस 3.5 आ जाएगी, है ना, और सी आर ए के लिए डायमीटर 14 है तो रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है ना। अब पाई आर होता है ना, देखो सेमी सर्कल का पैरीमीटर क्या होता है, पाई आर होता है, पाई तो हम कॉमन ले लिया और आर आर हमने यहां पर ब्रैकेट में कर दिया, तो इसको हम सम कर लेंगे, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 7 प्लस 7 यानी कि 21 पाई, तो 21 इंटू 22 बाय 7, इससे 3 टाइम्स कट हो जाएगा, तो 66 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी, पैरीमीटर आ जाएगी, ठीक है बच्चों, 66 सेंटीमीटर हमारी पैरीमीटर आ जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।